Hello mommies, welcome my channel Pregnancy Help. My dear mommies, I hope you are all good and well. तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि यदि आप प्रेग्नेंट हैं तो प्रेगनेंसी में कुछ ऐसे लक्षण अगर आप फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं अपनी बॉडी में, तो प्लीज़ आप अपने डॉक्टर से बात करिए. उसको आप इग्नोर बिल्कुल मत करिए, क्योंकि कंप्लीट 9 मंथ की जर्नी में बहुत सारी चीज़ें हमें ऐसे फेस करनी होती हैं और नई नई चीज़ें हमारे सामने आती हैं. तो कुछ ऐसी बातें मैं आपको बताने वाली हूँ इस वीडियो में कि यदि आप ऐसा कुछ फील कर रही हैं, महसूस कर रही हैं जो कि बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल है आपके लिए, तो प्लीज़ आप अपने डॉक्टर से मिलिए. बहुत ज़रूरी है. अगर आप डॉक्टर से नहीं मिलेंगे और आप ऐसे ही अपनी प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करते जाएंगे और आपको प्रॉब्लम हो रही है लेकिन फिर भी आप डॉक्टर से नहीं मिल रही, आप यही सोच रही हैं कि प्रेगनेंसी में तो ये सब चीज़ होती है, क्योंकि हमारे आसपास हमारे सराउंडिंग में बहुत सारे पर्सन ऐसे होते हैं जो हमें यही सजेस्ट करते हैं कि प्रेगनेंसी में तो ये सब होता रहता है. बट फिर भी आपको अवेयर होने की ज़रूरत है, क्योंकि कभी कभी हम जब डॉक्टर के पास नहीं जाते, चेकअप प्रॉपर तरीके से नहीं करवाते, तो बहुत सीवियर प्रॉब्लम हमें हो जाती है. तो वो प्रॉब्लम आपको फेस ना करनी पड़े, इसलिए कुछ ऐसी बातें मैं आपको बताने वाली हूँ. यदि ये आप सिम्टम्स अपनी बॉडी में नोटिस करते हो तो प्लीज़ अपने डॉक्टर से आप ज़रूर मिलिए. सबसे पहले जो हम जो कारण है वो बात करते हैं. जैसे पेट के निचले हिस्से में जो हमारा यूटेरस होता है, वहाँ पर यानी नाभि के नीचे, आप प्रेग्नेंट हैं, आपका पहला और दूसरा महीना चल रहा है, वहाँ पर आपको पेन महसूस होता है, बहुत ज़्यादा दर्द महसूस होता है, तो प्लीज़ आप अपने डॉक्टर से मिलिए. क्योंकि कभी कभी एक्टोपिक प्रेगनेंसी हमें हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारे जो भ्रूण का विकास प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता, जो कि गर्भाशय में होना चाहिए, वो फिलोपियन ट्यूब में ही होता है. तो ऐसी सिचुएशन में आपको पेन होता रहेगा. तो यदि आपको पेन फील हो रहा है, आप अपने आप में नॉर्मल फील नहीं कर रही, तो प्लीज़ अपने डॉक्टर से ज़रूर मिलिए, अपना अल्ट्रासाउंड और चेकअप प्रॉपर तरीके से करवाइए. दूसरा हम बात करते हैं कि पेट के ऊपर वाले हिस्से में यदि आपको पेन हो रहा है, लाइक आपकी नाभि से ऊपर वाले हिस्से में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है और आप बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल रहती हैं, प्रॉपर तरीके से सो नहीं पाती हैं, प्रॉपर तरीके से खा नहीं पाती हैं, तो इस कंडीशन में क्या होता है कि हमें बहुत ज़्यादा गैस की प्रॉब्लम हो सकती है. हो सकता है कि मतलब आपको जो भी खा रही हैं वो अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो रहा. तो अगर आपके पेट के ऊपरी वाले हिस्से में बहुत ज़्यादा दिक्कत है, तब भी आप अपने डॉक्टर से बात करिए कि कभी कभी हमें इन्फेक्शन हो जाता है, गैस बहुत ज़्यादा बन जाती है. तो ऐसी सिचुएशन आपके साथ बन रही है, कंटिन्यू में बन रही है और शुरुआती महीनों में ये प्रॉब्लम है, तो प्लीज़ अपने डॉक्टर से आप ज़रूर बात करिए. तीसरा हम यहाँ पे बात करेंगे कि हमारी जो प्रेगनेंसी है कंफर्म है, पॉजिटिव है, लेकिन प्रेग्नेंट होने के बावजूद भी पहले या दूसरे महीने में या कंप्लीट 9 मंथ की जर्नी में आपको किसी भी प्रकार की ब्लीडिंग या क्लॉटिंग हो रही है, तो ये बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है, ना ही आपके लिए, ना ही आपकी बेबी के लिए. तो प्लीज़ किसी भी प्रकार की आपको ब्लीडिंग या क्लॉटिंग हो तो इमीडिएटली आप अपने डॉक्टर से मिले, क्योंकि ये बिल्कुल भी आपके बच्चे के लिए सेफ नहीं है. तो ऐसी कंडीशन आपको आपके सामने आ जाती है तो आपको इमीडिएटली डॉक्टर से मिलना है. नेक्स्ट हम बात करेंगे कि आपको बहुत ज़्यादा वेजाइनल मीन्स सिक्रेशन हो रहा है, बहुत ज़्यादा आपकी वेजाइना से पानी जैसा कुछ निकल रहा है, बहुत ही ज़्यादा निकल रहा है, तब भी ये सेफ नहीं है. ऐसे कंडीशन में आपको इन्फेक्शन हो सकता है कुछ प्रॉब्लम हो आपकी यूटेरस में. तो अगर ऐसी सिचुएशन बन रही है कि बहुत ज़्यादा वेजाइनल आपको सिक्रेशन हो रहा है, तो ऐसे कंडीशन में भी आप अपने डॉक्टर से मिले और इसको बिल्कुल भी नज़रअंदाज आपको नहीं करना है. इसके अलावा क्या होता है कि हमें जब हम प्रेग्नेंट होते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा वॉमिट होती हैं. तो बहुत ज़्यादा वॉमिट देखिए, एक तो एक लिमिट में वॉमिट होती है, सूखी उल्टी जैसा आपको महसूस होता है कि आप उल्टी ऐसा महसूस हो रहा बट आपको उल्टी आ नहीं रही है, या फिर आपको बहुत ज़्यादा आपके मुँह से उल्टियाँ निकल रही हैं, तो ये सिचुएशन भी बहुत ज़्यादा गंभीर हो जाती है. अगर आप बहुत ज़्यादा उल्टी करोगे तो बच्चे पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है. तो प्लीज़ इस चीज़ को भी इग्नोर ना करें, क्योंकि वोमिट को रोकने के लिए, कंट्रोल करने के लिए डॉक्टर कुछ दवाई देते हैं, मेडिसिन देते हैं, जो कि सिर्फ प्रेगनेंट लेडी के लिए होती हैं. आप किसी और डॉक्टर से या मेडिसिन से दवाई ना लें कि मुझे वॉमिट हो रही है. आप सिर्फ़ और सिर्फ अपने डॉक्टर से ही उल्टी होने की दवाई लें और उनसे आप मिलें और अपना चेकअप करवाएं. नेक्स्ट हम बात करते हैं कि आपको अच्छे तरीके से आप फ्रेश नहीं हो पा रहे हो, या आप पॉटी करने के लिए जाते हो, फ्रेश होने के लिए जाते हो, तो आपको बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाना होता है, तो ये भी बिल्कुल सेफ़ नहीं है. अगर आपको डेली ऐसा करना पड़ रहा है, आप प्रेग्नेंट हो और स्टार्टिंग का फर्स्ट ट्रिमेस्टर है और आप बहुत प्रेशर लगाकर मीन्स फ्रेश होते हो, तो ये आपके लिए और आपके बेबी के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि उससे बच्चे पे प्रेशर पड़ता है,
बिल्कुल सेफ़ नहीं है, और हो सकता है कि आपको पाइल्स की भी प्रॉब्लम हो जाए। तो ऐसी कंडीशन में भी आपको अपने डॉक्टर से मिलना है और अपनी प्रॉब्लम को बताना है। ऐसा नहीं कि कुछ भी आप अनाप शनाप घर में खाती रहे, नहीं, आपको सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर से विजिट करना है कि उनको क्या देना है, क्योंकि एसिडिटी के लिए, कब्ज के लिए, हार्ट पॉटी के लिए भी डॉक्टर मेडिसिन वगैरह देती हैं। इसके साथ ही यदि आपको प्रेगनेंसी है, प्रेगनेंसी में आपको बहुत ज़्यादा ब्लर दिखाई दे रहा है, क्योंकि कभी कभी मालूम है कुछ जो प्रेग्नेंट लेडी होती है उन्हें प्रेगनेंसी में दिखाई नहीं देता, उन्हें ब्लर दिखाई देने लग जाता है, वो क्लियर नहीं देख पाती, या फिर बहुत ज़्यादा जो तेज़ रोशनी को आप फेस नहीं कर पाती, या फिर आपको दिखाई नहीं दे रहा, आपको ऐसा लग रहा है आपको बहुत ज़्यादा ब्लर दिखाई दे रहा है, तो ये सिचुएशन भी बहुत गंभीर है। ऐसी कंडीशन में भी आप अपने डॉक्टर से मिले, अपने डॉक्टर को अपना चेकअप कराएं, और जो भी डॉक्टर आपको सजेस्ट करते हैं उसको आप फॉलो करें। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि कभी कभी हमें प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा सूजन आ जाती है, स्वेलिंग आ जाती है, और आप झंझनाहट सी होती है पैरों में, तो इस तरीके की कंडीशन बनी है कि आपको सडनली स्वेलिंग आ गई है आपकी बॉडी में, तो प्लीज़ इसको भी आप अपने डॉक्टर को दिखा दें। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि गर्भावस्था में हमें जेस्टेशनल डायबिटीज़ हो जाती है, तो जी जो कि सेफ़ नहीं है, ना ही आपके लिए और ना ही आपके बच्चे के लिए। तो इस तरह से आपको स्वेलिंग है तो आपको अपने डॉक्टर को दिखाना है। और कभी कभी स्वेलिंग होने के बहुत सारे कारण होते हैं, आपको खुजली भी हो जाती है, बहुत ज़्यादा सीवियर खुजली हो जाती है, तो ऐसी कंडीशन में भी आपको अपने डॉक्टर से मिलना है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि स्वेलिंग है, खुजली है, तो हो सकता है कि ऐसी कंडीशन में आपका जो इम्यूनिटिक फ्लूड है वो ज़्यादा बढ़ गया हो, जैसे जिसको बोलते हैं ना पेट में पानी ज़्यादा होना या कम होना, तो ये कंडीशन आप खुद रिकग्नाइज़ नहीं कर पाओगे जब तक कि आप अपने डॉक्टर से नहीं मिलोगे, अल्ट्रासाउंड नहीं कराओगे। तो बहुत ज़रूरी है, अगर ऐसे सिम्टम्स आपको नज़र आते हैं अपनी बॉडी में, इचिंग वाले, या बहुत ज़्यादा वॉमिट है, स्वाइलिंग है, पेन है, तो प्लीज़ उसको इग्नोर ना करें, आप अपने डॉक्टर से ज़रूर मिलें। नेक्स्ट हम बात करते हैं, जैसे कि हमें कभी कभी जैसे हम यूरिन करने जा रहे हैं, तो हमें यूरिन पास करते समय बहुत ज़्यादा जलन हो रही है, बहुत ज़्यादा येलोइस कलर का यूरिन आपको आ रहा है, और बहुत ज़्यादा पेनफुली आप यूरिन पास कर रहे हो, तो ये भी कंडीशन आपके लिए सेफ नहीं। हो सकता है आपको वेजाइनल इन्फेक्शन हो, अगर आपको वेजाइनल इन्फेक्शन होता है तो वो डायरेक्टली हमारे बेबी को हार्म करता है, हमें हार्म करता है, और आने वाले टाइम में हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो ऐसे कंडीशन में उसको भी आपको इग्नोर नहीं करना है, आपको अपने डॉक्टर से बात करनी है उसके लिए भी कि आपको यूरिन पास करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। हो सकता है आपके अंदर पानी की कमी हो, आप डिहाइड्रेट हो रहे हों, तो बहुत सारी प्रॉब्लम ऐसी हो जाती है, तो ऐसी कंडीशन में भी आप अपने डॉक्टर से ज़रूर मिलें। इसके साथ ही यदि आपको बहुत ज़्यादा हेडेक है, सर में दर्द है, या फिर आपको बुखार आ रहा है, हल्का फुल्का बुखार है, इट्स ओके, लेकिन आपको बहुत हाई फीवर आ रहा है, तो कोई भी टैबलेट आपको अपने आप से नहीं लेनी है, ठीक है। अगर फीवर है, पेट में दर्द है, या फिर सर में दर्द है, ऐसी कंडीशन में डॉक्टर गोलियाँ लिखते हैं, टैबलेट्स लिखते हैं, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ आपको किसी नॉर्मल डॉक्टर से नहीं लेनी, किसी मेडिकल शॉप से आपको नहीं लेनी, आपको सिर्फ वो टैबलेट, अगर यदि आपको ये सारी प्रॉब्लम है हेडेक की, पेट दर्द की, या बुखार की, तो इसकी टैबलेट्स आपको अपने डॉक्टर से, जो कि आपका चेकअप करती है, रूटीन चेकअप करती हैं, जो कि आपके डॉक्टर हैं, उन्हीं से आपसे ये दवाइयाँ लेनी है, खुद से कोई मेडिसिन आपको नहीं खानी है। लास्ट पॉइंट यहाँ पर मैं बताऊँगी कि यदि आपके 4th और 5th मंथ कंप्लीट हो चुके हैं, आपको बेबी की हलचल महसूस नहीं हो रही, आप बेबी किक महसूस नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में भी आपको अपने डॉक्टर से मिलना है। या फिर कभी कभी देखो ऐसा होता है कि हम आराम से अपने बच्चे को महसूस कर पाते हैं कि बेबी मूव कर रहा है, बट सडनली उसका मूवमेंट बंद हो जाता है, आप नहीं फील कर पा रहे, आपको 1 या 2 दिन हो गए, प्लीज़ इमीडिएटली डॉक्टर से मिलें, बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो जाती हैं। ऐसी कंडीशन में आप हर वक्त नोटिस करते रहें अपनी बीबी को कि हाँ वो मूव कर रहा है, मूवमेंट हो रहे हैं, ठीक है, लेकिन आपको जब लग रहा है कि आपको पूरे 24 घंटे हो चुके हैं उसके बाद, प्लीज़ आप उस चीज़ को नोटिस करें कि वाकई में आपकी बीबी की मूवमेंट कम हो गए हैं। अगर ऐसा आपको लग रहा है तो तुरंत आप अपने डॉक्टर से मिलें। तो माय डियर मॉमीज, ये कुछ ऐसे लक्षण थे हमारी प्रेगनेंसी के समय जो कि हमें महसूस होते हैं, हर प्रेगनेंट लेडी के साथ थोड़े बहुत ये होते ही होते हैं। अगर आपको ऐसा कुछ भी महसूस हो तो प्लीज़ आप घर में बैठे ना रहें, एक बार अपने अपने डॉक्टर को ज़रूर चेकअप करवाएं, और हाँ, कंप्लीट प्रेगनेंसी में एक अच्छे डॉक्टर के ही पास जाएं, ठीक है, जो कि आपको सही गाइडलाइन करे। तो माय डियर मॉमीज, आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल हो। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर जरूर करिएगा।
मैं नेक्स्ट वीडियो मिलती हूँ नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।